भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटली में 15 से 18 आयु वर्ग के विद्यार्थियों को विद्यालय में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। वैक्सीन को लेकर विद्यार्थी काफी उत्साहित दिखे और इसे सरकार की अच्छी पहल बताया। विद्यार्थियों ने वैक्सीनेशन के बाद निर्भीक होकर विद्यालय आने की बात भी कही, जबकि अध्यापकों ने भी विद्यार्थियों को वैक्सीन के बाद निर्भीक होकर कक्षाओं में जाने और विद्यार्थियों को पढ़ाने का दावा किया। आज हमारे विद्यालय गुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटली में बच्चों को कोविड की वैक्सीनेशन लगवाई गई, जिसके लिए मैं हेल्थ डिपार्टमेंट का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम डॉक्टर पुष्पलता जी के अंडर हमारे स्कूल में आई, जिसमें उन्होंने हमारे स्कूल के 30 बच्चों को वैक्सीनेट किया और कुछ अदर स्कूल्स के बच्चे भी आए थे। टोटल 35 बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाई गई। तो मैं एक बार फिर से सारे हेल्थ डिपार्टमेंट का, डॉक्टर पुष्पलता जी का और लक्ष्मी जी जो फीमेल हेल्थ वर्कर आई और बाकी टीम आशा वर्कर्स का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने बच्चों को वैक्सीनेट किया। और मैं बाकी सभी से भी अपील करता हूं और बच्चों को भी अपील करता हूं कि सभी जाके अपनी अपनी वैक्सीनेशन लें, ताकि हम कोविड की जो ये लड़ाई है इसको जीत पाए और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए जोगिंदर नगर से अमित सूद। तो रख साभिमान पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। तो रख साभिमान उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।